Good morning everyone, hope you all are well at your home. Today we talk about a good mental health. We know healthy mind live in the healthy body. तो बच्चे अगर आप फिजिकली फिट हो उसके साथ साथ आपका मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है. कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो फिजिकली फिट है लेकिन उनका जो माइंड है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है, जिनसे आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो इन बातों को ख्याल में रखते हुए आपको कौन सी बातें हैं जो ख्याल रखनी है अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मेंटल पावर को स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए आपको बहुत सी बातों को ख्याल रखना चाहिए. जैसे कि आपका डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए, हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी सराउंडिंग होनी चाहिए, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली आपका जो केयरिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है. आप अपनी नींद को प्रॉपर लो जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो. अगर आप मेंटली फिट हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, अच्छे से हैंडल कर सकते हो. अगर आप मेंटली फिट हो तो आई थिंक आपकी फिजिकली ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती. अगर हम लोग मेंटली फिट हैं, फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, हैप्पी हैं, तो हम हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ठीक है बच्चे. तो अगर हम एक्सरसाइज में बात करते हैं तो मेडिटेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल अवर माइंड, ठीक है. उससे हम अपनी विल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक. तो वो एक द बेस्ट वे है अपने आप को मेडिटेट के लिए इन्वॉल्व किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए जिससे आपकी मेंटल पावर इंक्रीज होती है. तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप हर एक बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हो. तो बच्चे हमने फिजिकली फिटनेस के साथ साथ अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग बनाना है. तो आपने अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज पर ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि आप फिजिकली भी फिट रह सको और मेंटली भी फिट रह सको. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.